मैं एकता टेक्निकल कोचिंग से ATC इलेक्ट्रिकल हिंदी आज प्रकाश व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करके आपको बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के पेपर में, किसी भी टेक्निकल पेपर में, कम से कम 2 से 3 या 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से ही फंसेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ प्रकाश व्यवस्थाएँ मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। इसमें पहली है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, दूसरी है अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, तीसरी है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, चौथी है अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, इसके बाद आती है सामान्य प्रकाश व्यवस्था। अब इसमें नंबर 1 है प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था है इसको डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम भी कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में क्या होता है, एक इस प्रकार का रिफ्लेक्टर होता है जिसको परावर्तक के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर लैंप लगा होता है, और इसमें 90% प्रकाश नीचे की ओर जाता है तथा 10% प्रकाश चारों ओर जाता है। इसमें 90% नीचे की ओर तथा 10% प्रकाश चारों ओर जाता है। ये रिफ्लेक्टर आपका PVC का या फिर किसी धातु का बना हुआ हो सकता है। इसके आंतरिक सतह पर, अंदर की सतह पर निकल का लेप लगा होता है। इसकी आंतरिक सतह पर निकल का लेप लगा होता है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें बल्ब का 90% प्रकाश नीचे की ओर, 10% प्रकाश चारों ओर। इसमें वी आकार का परावर्तक उपयोग करते हैं। इसका उपयोग घरों, प्रयोगशालाओं, उद्योगों आदि में करते हैं तथा इस प्रकाश व्यवस्था का उपयोग जो डॉक्टर लोग होते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन बेंच पर भी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत होती है। अगला है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, इसको सेमी अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था, इसको सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने LED तो देखा ही होगा। LED जो है इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से इसका प्रकाश इस प्रकार से चारों ओर फैल जाता है, इस प्रकार से LED होता है। तो इसमें 60% से 90% प्रकाश जो है, 90% प्रकाश जो है चार नीचे की ओर आता है, जबकि 10 से 40% प्रकाश चारों ओर दीवारों पर फैल जाता है। इस प्रकाश व्यवस्था में चमक कम उत्पन्न होती है। इसका उपयोग अधिक ऊंचाई वाले भवनों में किया जाता है। इसका परावर्तक जो होता है अर्धपारदर्शक कांच या फिर प्लास्टिक का बना होता है। अगला प्रकाश अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था है, इसको इनडायरेक्ट लाइटनिंग सर्विस भी कहते हैं, सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें इसका सिस्टम देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ पर एक कटोरा होता है इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से लगा होता है। यहाँ पर ज़्यादातर प्रकाश, मतलब 90% प्रकाश सीधे सीधे ऊपर की ओर तथा 10% प्रकाश चारों ओर की दीवारों पर, 90% ऊपर की ओर और 10% चारों ओर की दीवारों पर प्रकाश इसका जाता है। इसका रिफ्लेक्टर एक सामान्य कटोरे जैसा होता है और इसकी आंतरिक सतह पर निकल का लेप लगाया जाता है। इसके अंदर यहाँ पर प्रकाश स्रोत, निकल का लेप लगाने से इसके अंदर चारों तरफ फैलने वाला प्रकाश सब एकत्रित होकर के ऊपर की ओर चला जाता है। इस व्यवस्था का प्रकाश छाया रहित होता है। अगला है परावर्तक अपारदर्शी एवं अर्धवृत्ताकार ऊपर की ओर लगा, मतलब जो प्रकाश स्रोत होता है उसके नीचे लगाते हैं, तो इसमें ऊपर की ओर इसका मुंह खुला हुआ होता है। इस व्यवस्था का उपयोग सजावटी कार्य के लिए सिनेमा हॉल में, डांसिंग हॉल में, होटल, बड़े बड़े होटल में जहाँ नर्तकी लोग नाचती हैं उनकी छाया दिखाई ना दे, ऐसे स्थानों पर इस प्रकार के परावर्तक का उपयोग किया जाता है। अर्ध प्रकाश व्यवस्था, इसमें क्या है, इसमें 60 से 90% प्रकाश, 60 से 90% प्रकाश ऊपर की ओर जाता है। इस विधि से चमक बहुत कम उत्पन्न होती है। यह एक मंद प्रकाश व्यवस्था है। बल्ब के नीचे अपारदर्शक अर्धवृत्ताकार परावर्तक लगा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें
साठ से 90% प्रकाश इसमें ऊपर की ओर जाता है और 10 से 40% प्रकाश नीचे की ओर जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः गोदामों वगैरह में कर सकते हैं और सजावटी प्रकाश व्यवस्था में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है दोस्तों। आगे सामान्य प्रकाश व्यवस्था जनरल लाइटनिंग सर्विस, तो इसमें क्या होता है, इस व्यवस्था में यह एक सबसे सस्ती व्यवस्था मानी जाती है। इस व्यवस्था का प्रकाश चारों ओर फैलता है, 100% प्रकाश चारों ओर चला जाता है। इसका सिस्टम होता है इस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें ये रिफ्लेक्टर होता है और इसमें चारों तरफ होल होते हैं, छिद्र होते हैं, और प्रकाश स्रोत जो है इसके अंदर होता है। जब ये जलता है तो ये चारों तरफ प्रकाश एकदम एक समान चारों तरफ देता है, 100% प्रकाश चारों ओर जाता है। ठीक है, आगे प्रकाश की तरंग लंबाइयों को निम्न इकाई में मापा जाता है। ये इकाइयाँ कौन कौन सी हैं देख लीजिए दोस्तों। यहाँ नंबर एक है माइक्रोन, तो एक म्यू बराबर होता है 10^-6 मीटर। और एंगस्ट्राम है अगला है एंगस्ट्राम, एक एंगस्ट्राम बराबर 10^-10 मीटर या फिर 10^-8 सेंटीमीटर होता है। अगला है एक्स किरणें अपारदर्शक वस्तुओं को भेदने का गुण रखती हैं। अगला है कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रकाश जो होता है पीला रंग का होता है और इसका उपयोग जो है वर्तमान में नहीं किया जाता क्योंकि ज़्यादा इसमें मतलब जो एनर्जी होती है उसका ज़्यादा व्यय होता है। इसलिए देखिए दोस्तों, ये एक चित्र बना हुआ है, इसको डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम कहेंगे। ये प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का ऊपर की तरफ परावर्तक लगा हुआ है और नीचे साइड में इसमें बल्ब लगाते हैं, तो पूरा का पूरा प्रकाश एकत्र होकर के नीचे की ओर जाता है। इसको हम डायरेक्ट लाइटनिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम कह सकते हैं, DLS। अगला देखिए दोस्तों, और चित्र है यहाँ, ये देखिए, ये अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का चित्र है। ये LED का जस्ट उल्टा रूप है, इसमें परावर्तक जो है वो नीचे की ओर लगा हुआ है जबकि LED में परावर्तक यहाँ ऊपर की ओर होता है। इसमें ऊपर वाला हिस्सा खुला है जबकि नीचे वाला इसमें बंद है। तो इसमें प्रकाश जो है 60 से 90% प्रकाश ऊपर की ओर तथा 10 से 40% प्रकाश जो है चारों तरफ की दीवारों पर फैलता है। ये अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का ये लैंप जो है दिखाई दे रहा है। आगे है, यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकाश व्यवस्थाएं बताई गई हैं। यहाँ पर देखिए, जो डायरेक्ट लाइटनिंग प्रकाश व्यवस्था है इसमें 90% प्रकाश मैंने नीचे की ओर बताया था और 10% प्रकाश जो है चारों तरफ की दीवारों पर बताया था, और इनडायरेक्ट में 90% ऊपर की ओर बताया था और 10% चारों तरफ की दीवारों पर बताया था। इनडायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम का उपयोग जो है डांसिंग हॉल वगैरह में, और डायरेक्ट लाइटनिंग का उपयोग मेडिकल हॉल में, जो बेंच होता है, ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पर उपयोग किया जाता है, और किसी कार्य करने वाली बेंच जैसे लेथ मशीन वगैरह वहाँ पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला देखिए सेमी डायरेक्ट, इसका उपयोग जो है सेमी डायरेक्ट का इसमें बताए थे 60 से 90% प्रकाश नीचे की ओर तथा 10 से 40% प्रकाश ऊपर की ओर जाता है, और जस्ट ये सेमी इनडायरेक्ट इसका उल्टा होता है। इसमें 60 से 90% प्रकाश ऊपर की ओर तथा 10 से 40% प्रकाश नीचे की ओर जाता है। यहाँ पर ये सामान्य प्रकाश व्यवस्था दिखाई गई है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए दोस्तों, ये रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, इसके अंदर ये प्रकाश स्रोत है, ये रिफ्लेक्टर है, इसमें चारों तरफ छिद्र होते हैं, तो इसका प्रकाश जो है चारों तरफ एक समान जाता है। इसमें 100% प्रकाश चारों तरफ एक समान जाता है। थैंक यू दोस्तों, हम आशा करेंगे कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और हम आप लोगों से एक ही निवेदन करते हैं, बार बार कहते हैं कि हमारा वीडियो आप लाइक और शेयर नहीं करवा रहे हैं, लाइक और शेयर करवाइए तथा इसमें सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बगल में अगर घंटी दिखाई दे तो उस घंटी को ज़रूर दबा देना। थैंक यू दोस्तों।